नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 9th अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये आप लोग वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने लाइव वीडियो बनाता हूँ, वो भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने बाई सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और बाई सेल लेवल्स ग्राउंड लेवल्स फिबोनाची लेवल बहुत सारा बाई सेल लेवल्स दिखाता हूँ और कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन अंडर डीएमए स्ट्रेटजी वो भी दिखाता हूँ, तो उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सिस्टम है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट करना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने जो ये जितना सारा वीडियोस बनाता हूँ ये ऑनली एजुकेशन इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। मैंने NSSF सर्टिफाइड हूँ लेकिन रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आप लोग जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे और ट्रेड करेंगे तो आप लोग ये अपना जिम्मेदारी से करेंगे और आप लोग का फिनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श सलाह जरूर ले लेंगे। और ये जो बाई सेल लेवल कम स्किनर मैंने बनाया, इसका व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, कैसे स्किनिंग करना है, हाउ टू स्किन और कैसे स्किन करना है और कैसे इसका ट्रेड लेना है। तो ये आप लोग ये वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, इसको इस्तेमाल करके आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। वाली आप लोग को ये बाई सेल लेवल देखना है और कुछ नहीं देखना है, आप लोग अपना स्टॉक चुन सकता है, नहीं तो इसको स्क्रीनिंग भी कर सकता है। स्क्रीनिंग करके कोई भी लेवल आप लोग देख सकता है, मैंने हर रोज दिखाता हूँ। और कोई भी लेवल आप लोग नहीं मिलेगा तो आप लोग, मैंने वो भी बोलता हूँ कि कोई भी लेवल मिलेगा तो आप लोग मेरे को फीडबैक दीजिए। आप लोग मतलब बाई लेवल आया, सेल लेवल आया, उसके बाद मार्केट उल्टा चला गया तो आप लोग मेरे को जरूर फीडबैक देंगे। तो ये आप लोग इस्तेमाल करके देख सकता है बहुत ही। और मैंने इसका आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकता है फिर डाल कर देखने के लिए। और मैंने आप लोग मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, एक दिन मैंने डेमो दिखा दूंगा ऑनलाइन कुछ आप लोग कोई भी सेगमेंट में, आप लोग जो सेगमेंट में आप लोग को पसंद है वही सेगमेंट में दिखा दूंगा। तो डेमो आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद फिर सर्विस ले सकता है। ओके, और जो लोग अपस्टॉक सस्ता और एलिस ब्लू में ज्वाइन होना चाहता है, एंजल ब्रोकिंग में ज्वाइन होना चाहता है, मेरा यूट्यूब वीडियो का लिंक के थ्रू में ज्वाइन हो सकता है। देखिए मैंने इधर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ, सॉरी निफ्टी बैंक का डेली चार्ट ओपन किया हूँ। पहले बताता हूँ कि देखिए आप लोग का लग सकता है ये चार्ट नहीं दिखता है, वो चार्ट देखने का प्रॉब्लम है, इतना इंडिकेटर टूल्स लगा हुआ है, लेकिन मैंने आप लोग को दिखा देता हूँ और मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मैंने चार्ट मेरा जो लेवल्स है बाई लेवल्स से लेवल उसमें भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा क्लियरली। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए इधर एक इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बना है, कैंडलस्टिक बना है आज, इसका बॉडी थोड़ा सा दोजी टाइप का है, लेकिन उसका ऊपर इसका जो टेल है ये बड़ा है, मतलब इसका ये ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना है कि इसको नीचे लेकर आया। तो इसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में। तो लेकिन ये तो अभी इट हैज़ सम हाउ मैनेज टू क्लोज बुलिश, इसका कलर ग्रीन हुआ है, इट हैज़ मैनेज टू क्लोज द क्लोज बुलिश। तो लगता है ये थोड़ा सा अप ट्रेंड भी जाएगा, लेकिन इसका सेलिंग प्रेशर भी आप जितना अप जाएगा इसका सेलिंग प्रेशर भी अप साइड में बहुत ही ज़्यादा रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो देख लेता है एक बार रेजिस्टेंस अप साइड में कहाँ पर हो है 895, और जो मेन ट्रेंड जो है इधर आप लोग देख सकते हैं, ये जो चैनल्स वगैरह लगा हुआ है ये ट्रेंड नीचे अभी तक नीचे इंडिकेट कर रहा है। और इधर से जो चैनल है इसका ये सपोर्ट, ये जो इधर से मैंने जो ऊपर से एकदम मतलब जो हाई बना था उधर से मैंने ड्रॉ किया हूँ। तो इधर से ये जो चैनल है ये सपोर्ट का काम करेगा, और ये जो चैनल जो रिसेंट जो मूवमेंट हुआ है डाउन मूवमेंट से अप मूवमेंट हुआ है इसका चैनल ये है। तो इधर जो इसका जो अप साइड जो क्रॉस करेगा ये जो रेड वाला लाइन जो क्रॉस करेगा तब इसका थोड़ा सा अप मूवमेंट आ सकता है, मतलब तो और भी तो अप मूवमेंट आ सकता है। और ये इसका जो ये जो रेड वाला लाइन ट्रेंड लाइन आप लोग दिख रहा है, ये जो रेड वाला ट्रेंड लाइन दिख रहा है ये
ये नीचे इसका नीचे है, प्राइस इसका नीचे है, लेकिन इसका जो इधर से जो ग्रीन कैंडल है इसका नीचे है। तो अभी थोड़ा सा अभी भी नहीं कहा जा सकता कि इसका अप ट्रेंड में कुछ अप ट्रेंड बनेगा, इसका अप साइड में जाने का कोशिश करेगा, लेकिन डाउन में आने का, डाउन ऊपर से प्रेशर आएगा उसके बाद डाउन में आने का पॉसिबिलिटी दिखता है। इधर से कुछ इंडिकेटर का ऊपर तो गया है, लेकिन ऊपर से फिर से ये मतलब कुछ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स का मतलब नीचे ही दिखाता है डेली कैंडल में। एनीवे मैंने आप लोग को जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो दिखा देता हूँ। डेली कैंडल में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है वो आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए 8954 में इसका रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद 9115, उसके बाद 9412, उसके बाद ये इधर 9772 होगा शायद, देखेगा देख लेता नहीं तो मैंने आप लोग को दिखा देता हूँ। इधर से 9412 के ऊपर 9716, उसके बाद ये 10151, उसके बाद 10568, मतलब 10550 तक मैंने बोला था कि इसका जाने का पोटेंशियल है, तो उसके बाद ये फिर से नीचे आने का प्रॉबिलिटी है, तो ऐसे ही होने का चांस है। क्योंकि मैंने इससे एक्सप्लेन किया था 2008 से जो मूवमेंट हुआ था, अप ट्रेंड मूवमेंट हुआ था, उसका 5 ट्रेंड वेब में इसका अप ट्रेंड गया था, उसके बाद इसका वेब ए में इसका करेक्शन आया है, ये बी चल रहा है, इसका थोड़ा सा वेब बी में इसका करेक्शन आएगा, उसके बाद वेब बी जितना था जाएगा उधर से सोच लीजिए 9000 या 10000 या किधर भी जाएगा, उधर से ये वेब वन जितना 491 12430 और 751111 जो हाई लो है, ये जो डिफरेंस है उतना ही गिरेगा उधर से जितना ऊपर ये जाएगा। सोच लीजिए 9131 तक गया है, यही इसका टॉप गया है, तो इसका उधर से 4919 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट साइकिल पे चलता है और ये प्राइस एक्शन भी यही दिखाएगा। और इधर आप लोग इसका फिबोनाची लेवल भी दिख सकता है, ये जो लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा, 9897 का जो लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा, और इधर 9011088 से 9897 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा, ये उसके बाद 10465 और इसके बाद 11034 तक इसका जाने का पोटेंशियल रहेगा, लेकिन 9058 9897 तक जाएगा, उसके बाद 10465 से ये फिर से नीचे आएगा, ऐसे ही प्रॉबिलिटी दिख रहा है। और इधर बैंक निफ्टी का देखता हूँ, ऐसे भी इसका देखिए इसका मतलब थोड़ा सा सेलिंग साइड में दिखा रहा है, इसका जो ये जो जोन है ये थोड़ा सा सेलिंग साइड में दिखा रहा है, और इधर अब 16 अप्रैल और 20 अप्रैल को कुछ बड़ा चेंज दिख सकता है, इसके बाद ये दिखेगा 24 अप्रैल में कुछ तो कुछ बड़ा चेंज आ सकता है। और ऐसे भी इधर थोड़ा सा सेलिंग साइड का दिखा रहा है, थोड़ा सा सेलिंग जोन में दिखा रहा है। और जो दिखता है बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेता है, मैं जितना सा बड़ा पढ़कर दिखाता हूँ, लेकिन चार्ट एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह का जरूरत होता है, तो टूल्स इंडिकेटर का जरूरत। ये देखिए इधर भी एक लॉन्ग टेल एक बुलिश कैंडल बना है लॉन्ग टेल, बट उसका बॉडी बहुत ही छोटा है और अपर वीक बहुत ही बड़ा है, तो ये आई गया था 20324 में, लेकिन 18482 इसका लो बना था और 18946 में एक क्लोजिंग दिया है, तो ये भी समहाउ इट हैज मैनेज्ड टू क्लोज बुलिश,
स्टिल इसका डाउन ट्रेंड नहीं अभी चालू है और थोड़ा सा अप मोमेंट जाने का कोशिश करेगा, लेकिन डाउन डाउन में ही इसका ट्रेंड है। तो दिखता है इंडिका, ये इसका 19,117 में रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 19,972 में रेजिस्टेंस मिलेगा, 20,754 को रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा इस जोन में, इसका ये जो जोन है, ये जो जो ग्रीन वाला जो जो दिख रहा है 17,143 से 21,462, इसके अंदर ये मूवमेंट करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 21,462 में फिर से ये नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है, नहीं तो इसका फिर से इधर से इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है। अभी थोड़ा सा कॉन्सेशन चल रहा है, जब OFC का चालू होगा तो देखना पड़ेगा ये कैसा ये बिहेव करेगा। और इसका ऑप्शन चेन एक बार देख लेता है, इसका जो निफ्टी का जो बना है इसका PCR रेशियो 1.0006 है, 0006, और इसका 9000 में इसका रेजिस्टेंस बना है। इसमें कल तो लॉन्ग हुआ रहा था, शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, आज भी शॉर्टिंग चालू हो गया है, और इधर 8,500 में इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा बुलर बुलिस का तो टैग चल सकता है, लेकिन बेयरिश पावर अभी बहुत ही ज़्यादा है इधर जो, और जो एट द मनी में इधर शॉर्टिंग हो रहा है, और इधर लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो रहा है, और पुट कॉल साइड में और पुट साइड में क्लेम भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की ये इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन चेन। और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, कल इसका निफ्टी का PCR रेशियो था ना 1.53, आज ये 1 के पास आ गया है, तो 1 के नीचे जाएगा तो 1 पे 0.75 थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा, उसके बाद 0.75 से फिर 0.50 तक इसका जाने का प्रॉबिलिटी है, तो उस टाइम इसका नीचे फिर से डाउन ट्रेंड आएगा। और ये 20,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है कॉल साइड में, और 18,500 में इसका सपोर्ट बना है, इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन एट द मनी में जो है इस बार कॉल साइड में शॉर्टिंग हो रहा है और पुट साइड में लॉन्ग हो रहा है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाने का प्रॉबिलिटी फिलहाल ज़्यादा दिख रहा है। और इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखा रहा है, निफ्टी थोड़ा सा अप दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी इसका डाउन में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है। और ये जो इसका जो दोस्तों मेरा फाइल ओपन होने दीजिए, तो इधर जो देखिए, इधर जो मैंने जो एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने कल बोला था इस सर 910 इसका सेवन थर्ड साइकिल चालू हो गया, तो इधर देखिए आज 9131 तक हाई हुआ है, तो मतलब
इधर थर्ड साइकिल में ये 290 डिग्री 9200 तक आने का प्रॉबिलिटी है, और ये थर्ड साइकिल कंप्लीट करेगा तो 9764 तक ये आने का प्रॉबिलिटी है। और इधर इसका भी आप लोग देख सकते हैं, ये 20,000 का ऊपर गया था, तो 20,342 का कुछ 346 का ऊपर गया था, 20,550 तक इसका जाने का प्रॉबिलिटी है। तो इधर ये तो है पूरा ओवरऑल टोटल सिनेरियो, ब्रॉड सिनेरियो। तो मतलब डेली का सिनेरियो क्या बनता है वो भी एक बार देख लेना चाहिए। तो इधर इसके लिए मैंने इधर से आप लोगों को कुछ लेवल दिखाना चाहता हूँ, तो रात में तो और भी लेवल दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल कुछ लेवल आप लोग को दिखा देता हूँ, और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कैसे ये कौन सा ट्रेंड का क्या है रह सकता है, और कौन सा लेवल पे आप लोग को काम मतलब सूटेबल रहेगा। ये देखिए इधर से जो ग्रैंड एंगल जो बनता है, इसका क्लोजिंग दिया है 8748 में, इधर 8795 का ऊपर 45 डिग्री एंगल के ऊपर ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। और ये देखिए 8748, इसका देखिए 8736 जो है इसका मतलब नज़दीक है, तो मतलब ये होता है कि ये डाउन ट्रेंड में जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा दिखता है, क्योंकि इसका सेल लेवल नज़दीक रहता है। और इधर गन स्कोरब 9 का भी ऐसे ही दिख रहा है, 8744 इसका, 8732 ये इसका भी लेवल नज़दीक दिख रहा है। और 360 भी एनालिसिस को कर लेता है, इसका मुरेस का जो सपोर्ट है, हाईस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो आप लोग देख सकते हैं, 8736 इसका हाईएस्ट सपोर्ट है और 8736 इसका लोएस्ट रेजिस्टेंस है। तो इसका भी इंडिकेट कर रहा है कि ये पीछे ट्रेंड दिखाने का कोशिश कर रहा है। और इधर 360 एंगल को एक बार एनालिसिस को देख लेता है। इधर देखिए 48.5 डिग्री का ऊपर ये 8761 का ऊपर जाएगा, तो इसका ऊपर जाने का थोड़ा सा ऊपर जा सकता है 90 डिग्री तक, इसका आने का प्रॉबिलिटी है। उसके ऊपर ये 180 डिग्री, इसका 250, इसके बाद उसका 180 डिग्री का तक ये 9085 तक आने का प्रॉबिलिटी है। उसके बाद इसका जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो इसका जो डाउन ट्रेंड इसका चालू होगा तो ये लेवल पे है अभी 135 डिग्री का, और 180 डिग्री का नीचे अंदर है, 130-135 डिग्री का नीचे है, तो 180 डिग्री का तक तो इसका आना प्रॉबिलिटी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। और इधर से ये तो सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल भी आप लोग नोट कर सकता है, सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल भी आप लोग नोट करेंगे तो आप लोग को पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। ये मतलब डेली बेसिस पे ये जो है कैलकुलेशन किया गया है, तो सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल भी डेली बेसिस का है। और ये इसका जो सॉरी, और भी एक चीज़ इधर से जो एंगल कौन सा एंगल पे है वो आप लोग को दिख जाएगा इधर से। इधर अभी ये जो दिखा रहा है ये 50 डिग्री एंगल पे है, और ये 31 डिग्री एंगल पे, 71 डिग्री एंगल पे है। इसका आप लोग कल टाइम देख सकते हैं, इसका जो लास्ट सेशन गया है तो 84 मिनट या 1 घंटा 1 घंटा 18 मिनट का बाद ये मोमेंट थोड़ा सा चेंज रिवर्सल आने का, वो इधर ऊपर या नीचे इसका प्रॉबिलिटी दिखेगा। तो ये जब इसका जब नीचे आएगा, इसका लेवल जब इसका 25 डिग्री या जब 100 डिग्री का ऊपर जाएगा, तो इसका मूवमेंट कुछ चेंजेस आने का पॉसिबिलिटीज है। और इधर से जो दिखाना चाहता हूँ तो है, और भी जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है तो वो आप लोग को दिखाऊंगा। इधर फिबोनाची का 7 दिन, 7 दिन का हिसाब से, 5 दिन का हिसाब से, 3 दिन का हिसाब से, 1 डे का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से, 1 ईयर का हिसाब से, ये वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकता है। ये काम पे आएगा कि ये काम पे आएगा जब कुछ वीकली मंथली और जब लंबा कुछ आएगा तो इसका मूवमेंट अच्छा दिखता है। और ये देखिए फिबोनाची बेस्ट लेवल्स, ये है फिबोनाची बेस्ट लेवल, इसका वोलेटिलिटी बेस्ट लेवल है, फिबोनाची का वोलेटिलिटी बेस्ट लेवल है। इसका ऊपर बहुत ही ऊपर दिख रहा है और ये नीचे दिख रहा है, इसका नीचे लेवल ये है। आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर दोनों को ही आप लोग देख सकता है।
इधर देखिए 8758 मतलब ये फर्स्ट एंगल पे है इसका R1 पे, इसका ऊपर जाएगा तो ये कितना दिन ऊपर जा सकता है आप लोग देख ले सकता है। ये ऐसे का हिसाब से ही आप लोग को देखे जो जो लेवल है इस लेवल पे आप लोग को दिखेगा मार्केट पे, और इसका लेवल नीचे का लेवल जो है ये लेवल पे आप लोग इसका देख सकता है। नीचे का लेवल एक एक करके आप लोग ऐसे ऐसे एक एक लेवल क्रॉस करेगा तो ऐसा लेवल आप लोग को मार्केट में दिखेगा लाइव मार्केट में, और नहीं होगा तो आप लोग मेरे को फीडबैक दे सकता है, और जो होगा तो वो भी कुछ फीडबैक दे सकता है क्योंकि मेरा मोटिवेशन मिल जाएगा आप लोगों का, मेरे को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि खराब ही होगा, ऐसे ऑलरेडी फीडबैक देंगे और भला अच्छा होगा तो फीडबैक नहीं देंगे। आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरे से भी थोड़ा सा बांट लेंगे तो मेरा भी अच्छा लग जाएगा। और इधर से ये लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है, ये लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है, ये लेवल से भी थोड़ा सा, ये भी लेवल भी बहुत ही अच्छा कम का है, ये भी आप लोग नोट कर सकता है। और भी थोड़ा सा जो लेवल्स दिखाता हूँ, देखिए मैंने चार्ट तो दिखाता हूँ लेकिन जो लेवल्स दिखाता हूँ ये मार्केट ये लेवल से चलता है। बहुत सारे लोग चार्ट का दिखा देता है और बोलता है कि देखिए ये प्रॉफिट मिलता है, लेकिन भाई एंट्री कहाँ पर मिलेंगे और एग्जिट कहाँ पर करेंगे आप लोग उन लोग को पूछ सकता है, तो मेरे को भी पूछेंगे तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ ये एंट्री लेवल है और एग्जिट लेवल है, ये इतना का आप लोग को टारगेट और ये स्टॉप लॉस होगा। साइकिल से लेवल से मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट चलता है, तो कुछ ट्रेंड दिखाने के से ऐसा कुछ इतना तक जा सकता है ऐसा कुछ फायदा नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मैंने और कुछ लेवल आप लोग को एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं इसीलिए आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर बाई का लेवल्स इधर ये दिखा रहा है, और सेल का लेवल्स ये दिखा रहा है। निफ्टी बैंक आप लोग ये निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर और इंडेक्स को जस्ट नोटिस कीजिए, और इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये भी एक अलग लेवल है, एक अमेरिका का कैलकुलेशन है, इसका भी इसका रूल्स लिखा हुआ है, इसका टारगेट भी लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस भी लिखा हुआ है, इसका हिसाब से भी आप लोग देख सकता है। तीनों लेवल है ये फिबोनाची बेस्ड, एक टू रेंज वन मतलब एक दिन का जो टू रेंज होता है, हाई माइनस लो, लो माइनस प्रीवियस लोस और हाई माइनस प्रीवियस लोस, इसके अंदर सबसे जो मैक्सिमम होता है वो टू रेंज होता है। तो ये वन डे का हिसाब से ATS 7 का कुछ फ़ायदा नहीं है, और जो एक्चुअल ATR है 14 पीरियड का जो मैक्सिमम होता है टू रेंज जो मैक्सिमम होता है इसका हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ये भी लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है, ये फिबोनाची का लेवल्स है। और जो लेवल्स इम्पोर्टेंट है इसका इसका आप लोग चोट दे सकता है ये लेवल, और ये जो गन बेस्ड टू रेंज ये भी आप लोग देख सकता है, गन एंगल्स बेस्ड ऑन टू रेंज, और इधर गन एंगल्स एंड गन डिग्रीज बेस्ड ऑन टू रेंज ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है। होप आप लोग नोटिस नोट कर पा रहा है, आप लोग नोट कर पा रहा है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके करके भी सब अच्छे तरह से सोच समझ के आप लोग देख के नोट कर सकते हैं। और ब्लैक मार्केट ये स्टैंडर्ड डिविजन बेस्ड लेवल्स है, ठीक है। और इधर से और कुछ ज़्यादा दिखना ही है, और इधर से इंडिया विक्स का हिसाब से जो बॉटम आउट इंडिया विक्स आज 52.24 है, वो लास्ट का हिसाब से इसका मंथली प्राइस रेंज बना है, और इसका जो बॉटम होगा तो ये अभी ऐसे करके इसका बॉटम होगा, ये 8776 का ये था, इसका बाद ये 8389 8769 तक आने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। मिडिल में थोड़ा सा कुछ ऐसा साइकिल दिखेगा, उसके बाद जब बाई का लेवल आएगा तो ऐसे करके ऊपर जाएगा। और इधर ये लेवल भी बहुत ही इस लेवल को आप लोग छोड़ सकते हैं, इतना लंबा लेवल को जरूरत नहीं है, इस लेवल को जहाँ लास्ट जो लेवल्स है बाई एंट्री दिखाता है ये लेवल को आप लोग नोट कर सकता है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, रात में फिर मिलेंगे, जरूर आएंगे आप लोग, उस समय भी और भी बाई सेल लेवल दिखाऊंगा।